मैंने कांग्रेस के इकोनॉमिस्ट को बुलाया और उनसे मैंने कहा, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने का वायदा किया था और हिंदुस्तान के गरीब लोगों ने सपना देखा कि शायद हमारे बैंक अकाउंट में पैसा भी आ सकता है। और उसके बाद में धोखा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए, मगर उसमें नरेंद्र मोदी जी ने एक रुपया नहीं डाला, उल्टा आपका पैसा उससे भी काटा। तो 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस के लोगों को बुलाया, मैंने कहा देखिए मैं एक बात समझना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूं, मगर मैं हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं करना चाहता हूं। तो आप पता लगाइए, स्टडी कराइए, दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से पूछिए, अगर मैं चाहूं हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहूं तो मैं कितना डाल सकता हूं? मैं जानता हूं 15 लाख नहीं डाला जा सकता, आप मुझे बताओ कितना डाला जा सकता है। एक शर्त है, अर्थव्यवस्था का नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले मेरे पास वापस आते हैं, कागज पे उन्होंने एक नंबर लिख दिया, चिदंबरम जी ने कागज पे नंबर लिखा 72,000। मैंने उनसे पूछा ये क्या है ये नंबर 72,000? 72,000 कितने लोगों को, 72,000 कितने समय में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में? सीतामरम जी कहते हैं राहुल जी हमने पूरी स्टडी करा ली है, दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से पूछा है, 72,000 रुपए एक साल के 25 करोड़ लोगों को, 25 करोड़ लोगों को। अब देखिए माताजी, नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख देने का वायदा किया, झूठ, हमने पता लगा लिया। मैं आपको स्टेज से कहता हूं 15 लाख नहीं दिया जा सकता, कुछ भी हो जाए नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर 15 लाख दिया गया हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी और गरीबों को ही नुकसान होगा। मगर 72,000 रुपए साल के, 3,60,000 रुपए 5 साल के, कांग्रेस पार्टी 5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में डालने जा रही है। अब बात करता हूं महिलाओं की, जो मैं आपको पहले बोलना चाह रहा था। अब यहां बहुत सारे पुरुष आए हैं, मैं शुरुआत में ही आपसे माफी मांग रहा हूं, बाद में गुस्सा मत होना। 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, मगर महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। भाइयों, बाद में मुझसे मत कहना ये क्या कर दिया, मैं इनके बैंक अकाउंट में 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में 5 साल के 3,60,000 रुपए डालने जा रहा हूं। इसके दो कारण हैं। एक, मैं हिंदुस्तान के गरीब लोगों को बताना चाहता हूं, माताओं बहनों को बताना चाहता हूं कि यहां पे दो हिंदुस्तान नहीं बनेंगे, एक हिंदुस्तान होगा। अगर नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए डाल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी 25 करोड़ लोग, 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए डाल सकती है और डालेगी। अब भाइयों और बहनों, इससे बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है, सिर्फ उन 5 करोड़ परिवारों को नहीं, मगर पूरे हिंदुस्तान को। मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं, जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, जैसे ही उन्होंने आपके घर में से पैसा निकाला, युवाओं के जेब से पैसा निकाला, छोटे दुकानदारों के घरों से पैसा निकाला, वैसे ही हिंदुस्तान की जनता ने माल खरीदना बंद किया। उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, जो पहले आपके जेब में था, बचा था नोटबंदी से, वो भी निकाल दिया। हिंदुस्तान के लोग माल खरीदना बंद किए, पहले आप पैंट शर्ट, टूथपेस्ट,
आलू के चिप्स जो भी खरीदते थे आपने बंद किया। जैसे ही आपने माल खरीदना बंद किया, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया, दुकानों ने माल बेचना बंद किया। जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद हुई, आपको ही झटका लगा, आपके ही बेटों को, आपके ही बेटियों को फैक्ट्रियों के मालिक ने फैक्ट्रियों से कहा कि तुम यहां से परे हो जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, रोजगार दे नहीं सकते क्योंकि फैक्ट्री बंद हो गई, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, लोगों ने माल खरीदना बंद किया। और आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में। अब जैसे ही हम न्याय योजना देंगे, जैसे ही न्याय योजना चालू होगी, जैसे ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, उसी दिन आप लोग एक बार फिर माल खरीदना शुरू करोगे। कोई शर्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।